वीओ अल्ट्रा टीवी की प्राइसिंग और स्टॉक अवेलेबिलिटी के बारे में मेरे थॉट्स, मी नोटबुक होराइजन अच्छा लैपटॉप है या बुरा, रियलमी स्मार्ट वॉच और अमेज़फिट बिप एस में से कौन सी स्मार्ट वॉच ज़्यादा बेटर है, आईफोन 12 के बारे में सभी डिटेल्स और वन प्लस के आने वाले 43 इंच और 32 इंच के मॉडल्स के बारे में मिली सभी डिटेल्स, ये सब कुछ बताऊंगा आपको आज के वीडियो में। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल VM1। मेरा नाम है विनीत और आज के इस 5 मिनट फंडे एपिसोड के अंदर शायद मैं कुछ ज़्यादा ही अनकंफर्टेबल ट्रूथ बोलूँगा। मेरे लैपटॉप वीडियो में कई लोगों ने मुझसे पूछा कि मैंने मी नोटबुक होराइजन को उसमें इंक्लूड क्यों नहीं किया। सिंपल आंसर, आई डोंट थिंक इट्स वर्थ द मनी। रीजन, पहले आपको बताता हूँ कुछ अच्छे पॉइंट्स, उसके बाद बताऊंगा उसके नेगेटिव्स। मेटल की बॉडी, बहुत ही शानदार डिस्प्ले और एक बहुत अच्छी बैटरी लाइफ आपको मिलेगी मी नोटबुक होराइजन मॉडल से, एंड दैट्स इट। अब आपको बताता हूँ नेगेटिव्स। चीप प्लास्टिक का ट्रैक पैड, नो बैकलेट कीबोर्ड स्पेशली इन दिस प्राइस रेंज, कॉमेट लेक प्रोसेसर जो 2016 में आया था और इस लैपटॉप के अंदर रैम और स्टोरेज को एक्सपैंड करने की कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि कोई स्लॉट ही नहीं है, और अगर आपने एग्जिस्टिंग रैम और स्टोरेज को एक्सपैंड किया तो मी वारंटी वॉइड। दोस्तों, SSD और अच्छी रैम का कॉम्बिनेशन ही सब कुछ नहीं होता, आपको प्रोसेसर देखना पड़ता है, उसकी जनरेशन देखनी पड़ती है, उसकी रैम टाइप देखनी पड़ती है और SSD टाइप देखनी पड़ती है, और बहुत सारे अलग फैक्टर्स होते हैं। इसलिए इन सब को देखने के बाद मुझे लगता है कि मी नोटबुक होराइजन इज नॉट वर्थ द मनी। दोस्तों, रियलमी स्मार्ट वॉच कॉस्ट करती है 4,000 रुपीज, जबकि अमेज़फिट बिप एस कॉस्ट करती है 5,000 रुपीज, लेकिन मेरे हिसाब से अमेज़फिट एक ज्यादा बेटर ऑप्शन है। रीजन नंबर वन, अमेज़फिट के अंदर आपको मिलेगी 40 डे बैटरी लाइफ जबकि रियलमी आपको देगा 6 डे बैटरी लाइफ। रियलमी स्मार्ट वॉच का डिस्प्ले 0.1 इंच बड़ा जरूर है अमेज़फिट से, लेकिन अमेज़फिट बिप एस का डिस्प्ले ट्रांसफ्लेक्टिव डिस्प्ले है जो कि ज्यादा बेटर है। अमेज़फिट बिप एस के अंदर आपको 5 ATM यानी 50 meters तक की वाटर रेजिस्टेंस मिलेगी जबकि रियलमी स्मार्ट वॉच के अंदर सिर्फ 5 meters तक की। अमेज़फिट बिप एस आपको GPS भी देता है जबकि रियलमी स्मार्ट वॉच में GPS मिसिंग है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको एक बेटर OS और एक बेटर ऐप सपोर्ट मिलती है अमेज़फिट बिप एस स्मार्ट वॉच से रियलमी स्मार्ट वॉच के मुकाबले। जितने लीक्स आ रहे हैं, जितनी इन्फॉर्मेशन मिल रही है वन प्लस के ट्विटर हैंडल से और जितने रूमर्स हैं, अगर उन सबको जोड़ के देखा जाए तो वन प्लस के आने वाले 2 TVs 43 इंच और 32 इंच विल बी रीब्रांडेड वर्जन ऑफ रियलमी TVs। इज इट अ गुड थिंग? नो। तो क्या आपको वेट करना चाहिए वन प्लस TVs के लिए? हो सकता है ये लीक्स और र्यूमर सब गलत हो, कर लीजिए, 15 दिन की और बात है और 15 डेज बाद आपको सब समझ में आ जाएगा। बट मेरे हिसाब से मैं एक गेम चेंजिंग टेक्नोलॉजी वन प्लस से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा इन 2 TVs के अंदर। व्यू का कहना है कि अल्ट्रा टीवी के लॉन्च होने के 4 से 5 आवर्स के अंदर उन्होंने सारा स्टॉक बेच दिया। वेरी गुड, बहुत अच्छा टीवी है और लोगों ने बहुत पसंद भी किया, आपका सारा स्टॉक बिक गया। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई कि 50 इंच का मॉडल 1 घंटे के अंदर अंदर ही 1,000 रुपीज एक्सपेंसिव कैसे हो गया। उस पर व्यू का कहना है कि लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ गई, मतलब लॉन्च होने के 1 घंटे के अंदर लॉजिस्टिक की कॉस्ट इंक्रीज हो गई। फिर आया सूरत का सेलर उन्हीं टीवीज को डबल प्राइस पे बेचने के लिए। व्यू कहता है कि उस पे उनका कोई कंट्रोल नहीं है, वो सेलर अमेज़न से स्टॉक खरीद के दोबारा रीसेल कर रहा है, तो उस पे वारंटी और इंस्टॉलेशन कौन दे रहा है फिर? और कंट्रोल क्यों नहीं है आखिर? क्या ये पहला ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है? वन प्लस के फोन्स एक्सक्लूसिव नहीं होते अमेज़न के, जो सिर्फ एक ही सेलर से बिकते हैं एक ही प्राइस पे? और ये सूरत का सेलर अचानक से कैसे पैदा हो गया, इसके पास स्टॉक कैसे आ गया, और वीयू ने अमेज़न से इसकी रजिस्ट्रेशन को चैलेंज करने को क्यों नहीं कहा? ऑल इन ऑल मैं सिर्फ 2 बातें समझता हूं कि इस सेलर से बिके हुए स्टॉक पे अगर वारंटी और इंस्टॉलेशन वीयू की तरफ से आ रही है तो वीयू को इस सेलर के बारे में पता है, और दूसरी बात, मेरे हिसाब से ये क्लियर फेलियर है इन्वेंट्री मैनेजमेंट और सेल्स डिपार्टमेंट का, और इस सिचुएशन का गलत फायदा उठाया जा रहा है। तो क्या आपको ये टीवी लेना चाहिए कि नहीं? टीवी अलग है और कंपनी की पॉलिसीज बिल्कुल अलग हैं, और ये बहुत अच्छा टीवी है, आपको इसे ज़रूर लेना चाहिए।
क्या व्यू प्रीमियम टीवी और अल्ट्रा टीवी के अंदर कोई भी डिफरेंस है? बिल्कुल भी नहीं। कोई भी अगर ये कहता है कि उसमें कोई डिफरेंस है तो वो आपको मिसलीड कर रहा है। क्या पेरेंटल कंट्रोल और पिक्चर कैलिब्रेशन दोनों टीवीज में है? हाँ है, दोनों ही टीवीज के अंदर सेम पेरेंटल कंट्रोल और सेम पिक्चर कैलिब्रेशन ऑप्शंस हैं। इस सब गड़बड़ के बाद क्या आपको व्यू टीवी के साथ एक्सटेंडेड वारंटी लेनी चाहिए? बिल्कुल लेनी चाहिए, और शायद व्यू की एक्सटेंडेड वारंटी ज्यादा बेटर होगी। क्या व्यू अल्ट्रा टीवी की साउंड क्वालिटी व्यू प्रीमियम टीवी से ज्यादा बेटर है? बिल्कुल भी नहीं, दोनों बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, जेरोक्स कॉपी टीवीज हैं, सिर्फ नाम का चेंज है। दोनों की साउंड क्वालिटी एवरेज है। तो कैसे खरीदें इस टीवी को? सिंपल है, मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर डायरेक्ट सेलर लिंक्स दिए हैं। जो भी साइज आपको चाहिए उस लिंक को कॉपी करें और अपने पास रखें। दिन में 4 से 6 बार इस लिंक पे क्लिक करके चेक करें। अगर क्लाउड टेल इंडिया सेलर आता है और मेरा लिखा हुआ प्राइस आता है तो उसको तुरंत खरीद लें। सितंबर में रिलीज होने वाले आईफोन 12 के अंदर एक नहीं, दो नहीं, 4 मॉडल्स होंगे और इन ऑल 12 वेरिएंट्स होंगे। इनका स्क्रीन साइज शुरू होगा 5.4 इंचेस से लेके 6.7 इंचेस तक, और इनकी प्राइस रेंज शुरू होगी $599 से लेके $1399 तक। दोस्तों, टीसीएल की टीवी रेंज लॉन्च हो रही है परसों यानी 18th को। आप मुझे ऊपर दिए पोल के अंदर ये बताएं कि क्या आप टीसीएल की लॉन्चिंग लाइव मेरे चैनल पे देखना पसंद करेंगे? मैं आपके जवाब के हिसाब से ही ये डिसीजन लूंगा। सभी चीजों के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं दोस्तों, आप उन्हें जरूर चेक करें। और कैसा लगा आपको ये वीडियो ये बताइएगा जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में। मैं आप सभी के मैसेजेस को पढ़ूंगा भी और उनका जवाब भी दूंगा। अगर आप मुझसे अर्जेंटली कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, और मैं आपको बहुत ही जल्दी मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।